पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, क्लास 9th का ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्यामिति में अब तक हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में पढ़ा है ना, बेसिक से लेके काफी चीज, त्रिभुज चतुर्भुज, और लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा था, अभी हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा। अब चलिए चैट सेक्शन में सभी लोग हम ये लिखिए, 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में आप सभी को पढ़ाए गए है ना। टोटल कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में आप सभी को पढ़ाया गया है, तो सभी के नाम लिखेंगे एक एक करके, जिनको भी याद है, जो जो भी चतुर्भुज के नाम याद है सभी लोग चैट सेक्शन में लिखो। आप जो भी लिखोगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक एक करके सभी लोग लिखेंगे। चतुर्भुज के नाम लिखना है, अगर मैं एक नाम लिखूँ तो कह सकता हूँ सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा वर्ग के बारे में, पढ़ सकते है ना, वर्ग यानी स्क्वायर। इसी तरीके से बाकी चतुर्भुज के बारे में आप लोग बताओगे। टोटल 6 चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। हाँ, एक आंसर है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो एक हम लोगों ने पढ़ा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, है ना। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। फिर एक चीज हम लोगों ने पढ़ा सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज यानी रॉम्बस, तो रॉम्बस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और क्या पढ़ा? आयत, है ना, आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। वर्ग तो लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, इसके अलावा जो मैं लिख दिया हूं उसके अलावा आप बताओगे। आपने कहा था ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब चतुर्भुज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। चलो, और एक कौन सा रह गया? एक और चतुर्भुज होता है, छठा वाला, इसके बारे में क्या है? पतंग यानी काइट, है ना। ये 6 चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, इसको आप पहचानोगे कैसे, ये सभी चीज पढ़े। इन सभी के गुणों के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। इनमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीज पढ़ा दी गई है, ठीक है। लास्ट क्लास की बात की जाए तो लास्ट क्लास में ये दो चीज हमारा पढ़ाया गया था, पहला सम चतुर्भुज और दूसरा वर्ग। तो सम चतुर्भुज और वर्ग क्या होता है? यह ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। यही बताया गया था, सम चतुर्भुज में भी और वर्ग में भी, ये दोनों ही में समानता है, ये ध्यान देना। इस सम चतुर्भुज के भी सभी भुजा बराबर होते हैं, वर्ग के भी सभी भुजा बराबर होती है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अगर मैं इस तरीके से कोई चतुर्भुज बनाऊं जिसके सभी भुजा बराबर है ना, अगर मैं कह रहा हूं इस चतुर्भुज के सभी भुजा क्या है? बराबर है। इस तरीके से लाइन देने का क्या मतलब होता है कि इसके सभी भुजा बराबर है, तो इस वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो उसे सम चतुर्भुज यानी रॉम्बस कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग के लिए क्या करोगे? ऐसा चतुर्भुज बनाओगे जिसके चारों भुजा तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ सारे कोण भी बराबर हैं। सभी कोण 90 डिग्री के हैं, है ना। अगर सभी कोण 90 डिग्री के हो जाए तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं, है ना। अगर सभी कोण भी 90 डिग्री है और सभी भुजा भी बराबर है तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ये दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे, इस रिलेटेड काफी सारे प्रॉपर्टीज भी, गुण भी आपको बताए गए थे, है ना। तो इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन, ये देखने के लिए कि आपको कितनी चीजें याद है ना। तो इस पे क्वेश्चन जो होगा उसको आप सभी को पता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, है ना। चलिए, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद चैट पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी। देखो, आकृति पी क्यू आर एस में अगर ओ एस की लंबाई दी गई है तो आपसे वाई का मान पूछा जा रहा है। अच्छा, सभी लोग आंसर करोगे? काफी कम आंसर आए हैं अभी तक। आंसर सभी लोग करेंगे, अगर ओ एस की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो वाई का मान क्या होगा। और काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको
सभी चतुर्भुज के गुण पता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि चित्र में ये क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो आपको पहले पहचानना ही होगा, उसके बाद उसके गुण को यूज करना होगा। चलिए 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 सेकंड और है आपके पास। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ना। और अब चैट भी ओपन है, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तभी चैट में आंसर करोगे। चलो, तो दिया गया इस आकृति में OS की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी गई है और Y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि यह चतुर्भुज कैसा है। तो अगर आप अगर इस चतुर्भुज PQRS को देखोगे तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि इसके चारों भुजा क्या है, चारों भुजा बराबर दिख रही है। ये जो लाइन है इसका मतलब चारों भुजा बराबर है। अब चारों भुजा बराबर है इसका मतलब ये दो चीज हो सकता है, या तो वर्ग होगा या सम चतुर्भुज होगा, यानी स्क्वायर या रॉम्बस में से कोई एक होगा। लेकिन अगर आप इसके सभी कोण को देखोगे तो इसका कोई भी कोण आपको 90 डिग्री के बराबर नहीं दिख रहा होगा, है ना। कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यह हमारा वर्ग नहीं हो सकता। PQRS जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है यह वर्ग नहीं है, यह एक सम चतुर्भुज है ना। PQRS क्या है, एक सम चतुर्भुज है। अब अगर सम चतुर्भुज के आपको गुण याद करो, तो सम चतुर्भुज में आपको ये बताया गया था रॉम्बस में कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो हम क्या कहेंगे, OS की जो लंबाई होगी, OS और OQ की लंबाई बराबर होगी, मतलब OS और OQ की लंबाई बराबर होगी, और OQ की लंबाई ही Y के बराबर है। Y क्या है, Y हमारा OQ है ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा OQ क्या है, Y है। तो हम कह सकते हैं अगर OS की लंबाई आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी, और OQ ही हमारा Y है 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम कहेंगे Y का मान कितना होगा, Y का मान ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, है ना। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, वाई या एन लिखकर बताओ। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखे, अदरवाइज आप एन लिखकर बता सकते हो। अच्छा हर्ष, क्या नहीं समझ में आया, हर्ष अपना माइक ऑन करके आप पूछ लो जल्दी से। हर्ष आप एन लिख रहे हो, अगर कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, काफी लोगों के आंसर सही थे। ठीक है, यहाँ पर वाई का मान 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि इसके विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं, OS और OY की लंबाई बराबर होगी। तो अगर OS 2 सेंटीमीटर है तो Y भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए, ये सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो क्या करते हैं, हम लोग आज के पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सर्कल यानी वृत्त। ये आपके क्लास 9th का 10th चैप्टर है ना, 10th चैप्टर है सर्कल वृत्त। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो सर्कल में हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे सर्कल यानी वृत्त होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसे आप सभी को पता है कि सर्कल होता क्या है, दिखता कैसा है, लेकिन मैथ्स में गणित में हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ये सबसे पहले देखेंगे। फिर सर्कल देखने के बाद इसके काफी सारे टर्म्स हैं, जैसे केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा। अब इन सब में क्या संबंध है, इसके बारे में क्या क्या टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये सारे चीज हम लोग आज एक एक करके देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है, वृत्त को आप गणित में वृत्त को डिफाइन कैसे करोगे, तो क्या लिखा है, एक तल पर। अच्छा, तल क्या होता है, तल के बारे में आप क्या बोलोगे, तो तल कुछ नहीं होता। अगर आपसे मैं पूछूं कि तल क्या होता है, तो आप कहोगे आपके कॉपी का जो पेज है उसे आप एक तल कह सकते हो, आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है उसे भी आप एक तल कह सकते हो, आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वह भी एक तल है। कोई भी सतह को आप क्या कहोगे, एक तल है ना। चलिए, तो कहा जा रहा है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ोगे, इस परिभाषा को पढ़ोगे, तो आपको काफी चीजें समझ में नहीं आएगी, कहे आप कहोगे ये क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर काफी सारे बिंदु दिख रहे होंगे, है ना, काफी सारे बिंदु बने हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक स्थिर बिंदु, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक स्थिर बिंदु और एक निश्चित दूरी। तो एक स्थिर बिंदु का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैं कोई एक बिंदु लाल कलर का आपको दिख रहा होगा,
यहां पर बीच में मैं एक बिंदु बना रहा हूं, ठीक है, ये लाल कलर से। तो अगर मैं एक बिंदु ओ यहां पर बनाऊं, अब देखो यहां बिंदु ओ से कोई भी बिंदु को आप देखो, जितने भी बिंदु पहले से बनाए गए हैं, ये सभी बिंदु की जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर है। मतलब अगर मैं कहूं ये दूरी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जितनी भी दूर यहां पर जितने भी बिंदु है इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है ना। अब जितने भी बिंदु देखोगे इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो ये सभी के सभी दूरी क्या होगी, सभी की सभी दूरी आपको 4 सेंटीमीटर की ही दिख रही है। अगर एक 4 सेंटीमीटर दूरी की है तो सभी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको दिख रही होगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एक निश्चित बिंदु मतलब कोई एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु आप बना सकते हो, अगर इन सभी बिंदु को हम मिला दें, है ना, इन सभी बिंदु को आप मिला दोगे तो जो भी आकृति आपको बनते हुए दिखेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो इन सभी बिंदु को मिलाने के बाद जो आकृति आपको दिख रही है यही आकृति को आप वृत्त कहते हो, है ना। इसी आकृति को आप क्या कहते हो, वृत्त कहते हो। तो वृत्त को डिफाइन कैसे करते हैं, अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी सरफेस पर एक स्थिर बिंदु, तो वह स्थिर बिंदु कौन सा है, ये वाला है ना, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु हो, ठीक है, इसके निश्चित दूरी पर मतलब कोई भी एक दूरी ले लो, मान लो 4 सेंटीमीटर ले लिया या 5 सेंटीमीटर ले लिया, उतनी दूरी पर जितने भी बिंदु आप बना सकते हो, सभी बिंदु को अगर मैं बना के उसको जोड़ दूं तो वो जो आकृति बनते हुए दिखता है वही आकृति वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। जो दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, है ना। ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, वृत्त का डेफिनेशन क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। वृत्त का डेफिनेशन आप सभी ने समझ लिया कि वृत्त डिफाइन कैसे करते हो, सर्कल होता क्या है, ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो आप डेली लाइफ में सर्कल कहाँ देखते हो, आप अपने आसपास के उदाहरण देखो, आप अपने आसपास भी कई जगह पर सर्कल या सर्कल से मिलता जुलता आकृति देखते होगे। जैसे कोई भी गाड़ी का पहिया है ना, कोई भी गाड़ी आप देखो उसका पहिया जो है हमेशा वृत्ताकार ही होता है, ठीक है। घड़ी, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जितने भी घड़ी होते हैं सभी के सभी वृत्ताकार होते हैं, घड़ी तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण आपको दिया गया है, इस उदाहरण में जो घड़ी आपको दिख रहा है यह एक वृत्ताकार है, यानी एक सर्कुलर शेप में आपको एक घड़ी दिख रहा है ना, एक वृत्त के आकृति का एक घड़ी दिख रहा है। यह क्या है, यह एक पिज्जा है, तो पिज्जा भी आपको वृत्त यानी सर्कल शेप में आपको दिखता है। हाँ, और भी उदाहरण आप बता सकते हो, आप लोग चलो चैट सेक्शन में लिखकर बताओ, इसके अलावा पहिया, घड़ी और पिज्जा के अलावा और क्या क्या चीज आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हो जो वृत्त से मिलता जुलता है या वृत्त के जैसा है। तो एक तो आंसर आया थाली, तो बिल्कुल सही, थाली को हम कह सकते हैं वृत्त के जैसा होता है। रोटी, हाँ रोटी को भी हम कह सकते हैं कि वृत्त के जैसा होता है। तो ऐसे आप देख सकते हो, सिक्का, सिक्का भी होता है, बॉल नहीं होता। अच्छा, कोई किसी का आंसर है जोगेंद्र, आपका आंसर है बॉल, तो बॉल को वृत्त नहीं कहेंगे, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। बॉल को क्या कहेंगे, बॉल को हम लोग गोला कहते हैं, ठीक है। बॉल किस शेप का है, तो बॉल गोला है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बॉल को वृत्त नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, बॉल को अगर आप अपने पेज पे रख दो, अपने टेबल पे अगर रखोगे तो उसकी एक मोटाई होगी, ठीक है ना, तो एक मोटाई होती है, ठीक है, इसलिए उसे हम बॉल को गोला कहते हैं, बॉल को वृत्त नहीं कहते। चूड़ी आप कह सकते हो, चूड़ी को या सिक्के को, सिक्के को चूड़ी को आप अपने पेज पे रखोगे, अपने टेबल पे रखोगे तो उसकी कोई मोटाई नहीं दिखेगा, कोई ऊंचाई नहीं दिखेगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, चूड़ी, थाली, रोटी, ये सभी के सभी वृत्त तो हैं, लेकिन बॉल या गेंद उसे हम गोला कहेंगे, उसे वृत्त नहीं कहेंगे। ये समझ में आया, है ना, बॉल को वृत्त नहीं कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो बॉल का जो आकृति होता है वो वृत्त नहीं होता, गोला होता है, ये समझ में आया ना, चैट में लिखकर बताओ। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग अब देखते हैं, अगर वृत्त आपने समझ लिया, वृत्त के दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण भी आपने देख लिए, तो हम लोग वृत्त का केंद्र समझते हैं। तो वृत्त में एक जो हमारा सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वह है वृत्त का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर क्या होता है, केंद्र क्या होता है, चलो ये देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख रखा है, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु जिस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर है वह वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहलाता है। जैसे अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं,
तो आपको पता है इस वृत्त पर काफी सारे बिंदु होंगे, है ना। इस वृत्त पर आपको पता है काफी सारे बिंदुओं से मिलकर यह वृत्त बना होगा, ठीक है। अब ये सभी बिंदु, ध्यान से सुनना क्या क्या मैं बातें बता रहा हूं, ये सभी बिंदु जिस बिंदु से निश्चित दूरी पर है, और जिसे अभी पिछले बार मैं उदाहरण में जो बता रहा था स्थिर बिंदु, वही स्थिर बिंदु ही क्या कहलाता है, हमारा केंद्र कहलाता है। तो इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, हमारा केंद्र है ये, ठीक है। यह क्या है, केंद्र है यानी सेंटर है। और यह जो केंद्र है, वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु है सभी से बराबर दूरी पर होगा, है ना, ये सभी से बराबर दूरी पर होगा। इतना समझ में आया, केंद्र कहते किसे हैं, केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर में होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, केंद्र किसे कहते हैं। तो केंद्र किसे कहते हैं, एक ऐसा बिंदु जो वृत्त के अंदर स्थित हो और वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर हो, है ना। तो कोई भी बिंदु आप अगर सेंटर और वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को आप मिला दो तो इसकी दूरी हमेशा बराबर होगी, ठीक है। तो ऐसी बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। चलो अच्छा, यहां पर मैं एक बिंदु बना दूं तो इसको केंद्र बोलोगे क्या, इसे केंद्र बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हाँ या ना बताओ, इसे केंद्र बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हाँ या ना। हाँ, इसे केंद्र नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे केंद्र नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बार और सुन लो, ठीक है, गोविंद आप बोल रहे हो, एक बार और बता दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, केंद्र किसे कहते हैं, सिंपल आप इतना समझो कि वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु है, आपको पता है वृत्त पे काफी सारे बिंदु से मिलकर ये बना हुआ है ना, वृत्त काफी सारे बिंदु से मिलकर बना हुआ है। अब ये सभी बिंदु जिस भी बिंदु से बराबर दूरी पर है, ठीक है, जिस भी स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर है, वही बिंदु ही केंद्र कहलाता है। बस इतना सिंपल सा आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। चल अब केंद्र आपने समझ लिया, और अब ये बताओगे किसी वृत्त में कितना केंद्र होता है, किसी वृत्त में केंद्र की संख्या कितनी होती है, एक दो तीन या अनंत, किसी एक वृत्त में कितना केंद्र होता है। तो किसी भी एक वृत्त में सिर्फ एक ही केंद्र होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, सिर्फ एक ही केंद्र होता है। तो कोई भी आप वृत्त बनाओगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र होगा, ठीक है। आप कोई भी वृत्त किसी भी साइज का बना दोगे तो उसमें केंद्र सिर्फ एक ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी वृत्त में सिर्फ एक केंद्र होता है। चलिए अब केंद्र अगर समझ लिया तो आप समझते हैं त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस किसे कहते हैं। देखो तो डेफिनेशन क्या है, वृत्त के केंद्र, अब केंद्र तो आपको पता है क्या होता है, से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी वृत्त के त्रिज्या कहलाती है। मतलब अगर मैं कोई भी एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, कोई भी एक वृत्त बनाऊं, अब इसका एक केंद्र आपको पता है कि यहाँ पर होगा। अब केंद्र और वृत्त पर कोई एक बिंदु आप ले लिया, ठीक है, एक बिंदु मैं वृत्त पर ले लूं, तो केंद्र और वृत्त पर किसी भी एक बिंदु के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इस दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं, है ना, इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये समझ में आया, त्रिज्या कहते किसे है ना। हाँ, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, ये तो आपने सही बोला था, ठीक है। त्रिज्या होता क्या है ये आप बताओ, समझ में आया, त्रिज्या क्या होता है, केंद्र और वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को आप मिलाओगे तो वही वही दूरी को हम रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चलो तो इसे हम रेडियस कहते हैं। अच्छा, रेडियस में और आपको क्या जानना है, कि किसी भी वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। मतलब अगर एक त्रिज्या मैं कह रहा हूँ ये 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, अगर ओपी की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी गई है, ओपी की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी गई, तो आप बताओ अगर मैं यहाँ पर ओक्यू बना दूँ तो ओक्यू की लंबाई कितनी होगी, ये बताओ ओक्यू की लंबाई कितनी होगी, चैट में लिखकर बताओगे, तो 2 ही सेंटीमीटर होगी। तो मतलब क्या समझ में आया, कि एक वृत्त में आप जितने भी त्रिज्या बनाओगे, ठीक है, सभी की लंबाई बराबर होती है। या लिख लोगे, आप किसी भी वृत्त में जितने भी त्रिज्या बनाओगे सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त में कितने त्रिज्या बनाए जा सकते हैं, तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या बनाई जा सकती है, आपका जितना मन करे उतना त्रिज्या आप बना सकते हो, है ना। तो एक वृत्त में आप जितना चाहो उतने त्रिज्या बना सकते हो, और जितनी भी त्रिज्या होगी सबकी लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, पहला क्या कि
एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या बनाए जा सकते हैं, और जितने भी त्रिज्या बनाओगे सभी की लंबाई फिक्स होगी, ठीक है, किसी भी वृत्त में। चलो इतना समझ में आ गया आप सभी को त्रिज्या क्या होता है। अच्छा ये बताओगे इसे हम त्रिज्या बोलेंगे क्या, इस वाले अगर मैं इस तरीके से बनाऊं ओपी, तो ओपी को आप त्रिज्या बोलोगे क्या? ओपी को त्रिज्या नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि केंद्र से पी बिंदु जो दिख रहा है, पी बिंदु हमारा वृत्त पर स्थित नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे ओपी हमारा त्रिज्या नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर त्रिज्या आपने समझ लिया, तो अब हमें समझना है वृत्त की जीवा क्या होती है, यानी कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है। तो वृत्त का जीवा यानी कॉर्ड क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं। मतलब अगर हम कोई भी एक वृत्त ले लें, ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा एक वृत्त है ना, अब वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लेना है, ध्यान दीजिएगा वृत्त पर ही दो बिंदु लेना है, तो वृत्त के ऊपर दो बिंदु ले लिया गया। हाँ 8:30 की क्लास तो लगेगी, 8:30 की क्लास तो लगेगी ही लगेगी। चलो एक बिंदु यहाँ पर लिया गया P, दूसरा बिंदु यहाँ पर लिया गया Q, तो आप देख पा रहे होगे बिंदु P और बिंदु Q ये दोनों बिंदु क्या है, वृत्त पर ही स्थित है। क्या है? वृत्त पर ही स्थित बिंदु है। तो P और Q क्या है? वृत्त पर ही स्थित है, ठीक है। 8:30 वाली क्लास तो 8:30 बजे लगेगी ना, आज भी लगेगी 8:30 की क्लास। चलो तो P सर और आज Q बिंदु लगेगी पर या आप, कल? हाँ आज भी लगेगी, वो तो हर दिन रहती है क्लास। लगेगी। ओके सर। चलो ठीक है, तो पी क्यू को आप अगर मिला दोगे, तो ये जो पी क्यू आपको दिख रहा है, पी क्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? पी क्यू को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। मतलब क्या समझ में आया? हम किसी भी वृत्त पर कोई भी दो बिंदु को आप मिलाओगे तो उसे हम जीवा कहेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, तो इसे आप जीवा कहोगे या नहीं कहोगे बताओ। अगर मैं इसका नाम एक्स वाई दे दूं, तो एक्स वाई जीवा है या नहीं है? तो हाँ एक्स वाई भी जीवा है, यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा बिंदु एक्स और बिंदु वाई दोनों ही के दोनों क्या हैं, वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त पर स्थित है, और ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग जीवा कहेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इसे आप जीवा बोलोगे या नहीं बोलोगे? इसका नाम मैं दे रहा हूं ए बी, ए बी को आप जीवा बोलोगे या नहीं बोलोगे? ए बी को भी आप जीवा बोलोगे, बिल्कुल। तो ए बी भी जीवा है ना, ए बी भी जीवा है, क्योंकि बिंदु ए भी आपको दिख रहा है वृत्त पर, और बिंदु बी भी दिख रहा है आपको वृत्त पर, तो दो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो आप ये बताओ किसी भी वृत्त में कितने जीवा बना सकते हो? तो आप एक वृत्त में जितने चाहो उतने जीवा बना सकते हो, ठीक है ना, तो जितना चाहो उतना जीवा आप बना सकते हो, ठीक है, तो जितना भी चाहो अनगिनत जीवा बना सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि जीवा होती क्या है, तो जीवा आपने समझ लिया जीवा होता क्या है। दूसरा चीज कि किसी भी वृत्त में अनगिनत जीवा बनाए जा सकते हैं। अच्छा ये बताओगे कि वृत्त में जितने भी जीवा होंगे सभी की लंबाई समान होगी क्या, हाँ या ना? वृत्त के जितने भी जीवा होंगी सभी की लंबाई समान होगी, सभी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यस या नो? नहीं, तो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी। देखो यहां पर आपको एक जीवा ये दिख रही है, दूसरी जीवा देखो एक छोटी सी जीवा दिख रही है, और एक जीवा देखो ये बड़ी सी दिख रही है ना, तो जीवा की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो ये चीज ध्यान देना कि सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती, ठीक है। चलो अगर आपने जीवा भी समझ लिया, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्यास क्या होता है, ठीक है, व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास क्या कहोगे, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल, इसे डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डी से दिखाते हैं, रेडियस को आर से दिखाते हैं और डायमीटर को डी से दिखाते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, वृत्त का वह जीवा, ध्यान से सुनिएगा, व्यास काफी इंपॉर्टेंट है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, उसे ही व्यास कहते हैं, ठीक है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी उसे ही व्यास कहेंगे। तो मान लो इसके लिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त ले लिया, अब वृत्त पर एक बिंदु हमें यहाँ पर लिया गया P, दूसरा बिंदु यहाँ पर लिया गया Q, अब अगर इस तरीके से मैं इसे मिला दूँ PQ को,
तो यह क्या है? अब बोलोगे यह एक जीवा है। PQ को क्या बोलोगे? जीवा है, क्योंकि ये दो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब अगर यह जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है, मान लो यह जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है, तो इस जीवा का एक स्पेशल नाम है और उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे ही वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, वही व्यास कहलाता है। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ? व्यास किसे कहते हैं? ठीक है, व्यास का डेफिनेशन तो आपने समझ लिया कि व्यास होता क्या है। व्यास के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केंद्र से होकर जो जीवा जाएगी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। तो व्यास जो होता है वह वृत्त की सबसे, ये लिख लेना अपने कॉपी पे, आप लिख भी सकते हो, सबसे बड़ी जीवा होती है ना? तो व्यास जो होता है किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कभी भी व्यास के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? व्यास क्या होता है? वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, और व्यास जो होता है किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी वाली जीवा होती है। मतलब केंद्र से जो जीवा जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है और उसे ही हम लोग व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये बताओगे कि एक वृत्त में कितने व्यास बनाए जा सकते हैं? एक वृत्त में कितने व्यास बनाए जा सकते हैं? सिर्फ एक बनाए जा सकते हैं, दो बनाए जा सकते हैं, या अनगिनत बनाए जा सकते हैं? एक वृत्त में जितना चाहो आप उतना व्यास बना सकते हो। मतलब देखो, केंद्र से होकर जाने वाली कितने भी आप चाहो उतनी जीवा आप खींच सकते हो। तो ये सभी के सभी क्या होंगे? ये सभी के सभी को आप व्यास बोलोगे, है ना? ये सभी को आप व्यास बोलोगे। ठीक है, तो एक नहीं बनाए जा सकते, अनगिनत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं अच्छा, हो सकता है कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे, फिर से दिखने लगेगी। अच्छा, फिर से अगर मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी तो आप लोग चैट में लिखकर बताओगे। चलो, फिर से मेरी स्क्रीन दिख रही है? चलो ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि आप केंद्र से जो जीव जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो आप कितने की व्यास बना सकते हो? तो आप जितना भी चाहो इस वृत्त में उतना व्यास बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं तो आप कहोगे अनगिनत व्यास होते हैं, इनफाइनाइट व्यास होते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनगिनत व्यास होते हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी व्यास होंगे सभी की लंबाई बराबर होती है। व्यास तो अनगिनत होंगे लेकिन सभी के लंबाई क्या होती है? वो फिक्स होती है। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो ए बी है, जो वृत्त का व्यास है, तो ए बी की लंबाई अगर मैं आपको दे दूं 12 सेंटीमीटर, है ना? ए बी की लंबाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब मैं एक दूसरा व्यास बना रहा हूँ, ठीक है? तो एक मैं दूसरा व्यास बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इसे आप सबसे पहले बताओगे ये व्यास है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ, यह जो है केंद्र से होकर जा रही है ना, तो केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो एक्स वाई व्यास है या नहीं है? तो बोलोगे हाँ व्यास है। तो एक्स वाई की लंबाई बताओ, एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी? बताओ एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी? तो एक्स वाई की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर ही होगी, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी व्यास होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। तो व्यास के बारे में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है, देखो मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है? पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे ही वृत्त का व्यास कहते हैं। पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है? और उसी जीवा को व्यास कहते हैं। मतलब कह सकते हैं वृत्त का जो व्यास होगा वह सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक
ठीक है, वृत्त का व्यास उस वृत्त का सबसे बड़ा वाला जीवा होगा। ठीक, उसके बाद किसी भी वृत्त में अनगिनत व्यास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अनगिनत व्यास बनाए जा सकते हैं, लेकिन जितने भी आप व्यास बनाओगे सभी की लंबाई फिक्स होगी। ठीक है, जितने भी व्यास बनाओगे उन सभी की लंबाई हमेशा फिक्स होगी। तो एक वृत्त में जितने भी व्यास बनाओगे उन सभी की लंबाई फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपको त्रिज्या पढ़ाया गया था, है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको त्रिज्या पढ़ाया गया था। तो त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन है? त्रिज्या यानी रेडियस और व्यास मतलब डायमीटर, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो अब लोग संबंध देखते हैं। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल? तो लिखा क्या गया है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ऐसे कैसे आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर इस वाले चित्र को आप देखो, तो यहां पर देखो, अगर मैं इस दूरी के बारे में पूछूं जिसे मैं अभी लाल कलर के बना रहा हूं, ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे? अगर मैं ओपी की बात करूं तो ओपी को आप क्या बोलोगे? कहोगे ओपी जो है हमारा एक त्रिज्या है ना, ओपी को आप कहोगे त्रिज्या है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, तो ओपी एक त्रिज्या है। उसी तरीके से अगर मैं OQ की बात करूं, ठीक है, OQ की बात करूं, यहां पर OQ लिख रहा है, तो OQ क्या है, OQ भी हमारा क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक है, OQ क्या है, OQ भी त्रिज्या है। ठीक है, तो OP भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है, तो आपको यह पता चल रहा है। अब PQ की अगर मैं बात करूं, PQ क्या है, तो ये पूरा जो PQ आपको दिख रहा है, इस PQ को आप बोलोगे कि यह हमारा व्यास है। तो आपको यहां से साफ दिख रहा होगा कि एक जो व्यास होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है ना, तो आपको दिख रहा होगा OP भी हमारा एक त्रिज्या है और OQ भी एक त्रिज्या है ना, और एक जो व्यास है वो 2 त्रिज्या से मिलकर बनी है। PQ क्या है, PQ को आप कह सकते हो PQ हमारा ये पूरा व्यास है। तो आपको दिख रहा है एक व्यास जो है 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है हमेशा, कोई भी आप व्यास बनाओगे। देखो यहां पर भी अगर मैं एक दूसरा व्यास बना दूं, तो यह भी आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिज्या यहां पर और दूसरा त्रिज्या यहां पर, मतलब हमेशा व्यास जो होता है 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्त जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब अगर मैं एक त्रिज्या की लंबाई आपको दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओपी, तो ओपी की लंबाई अगर मैं आपको दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या है ना, त्रिज्या की लंबाई ओपी है 4 सेंटीमीटर की, तो इस वृत्त का व्यास कितना होगा बताओ आप, इस वृत्त का व्यास कितना होगा? व्यास कहोगे कि हमारा व्यास क्या होगा, PQ हमारा व्यास होगा, PQ हमारा व्यास होगा, और PQ ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी त्रिज्या होते हैं सभी की लंबाई बराबर होती है, तो OP और OQ दोनों ही बराबर होंगे 4 4 सेंटीमीटर के। तो OP अगर 4 सेंटीमीटर का है तो आप बोलोगे OQ भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि OQ भी त्रिज्या है। तो आप PQ और PQ के बारे में क्या कहोगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। हम क्या कह सकते हैं, एक रिलेशन लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी डी इक्वल टू 2 इंटू आर। डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ डायमीटर यानी व्यास, और आर का मतलब हुआ त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, तो कभी भी आपको त्रिज्या दी जाए तो आप व्यास काफी आसानी से निकाल सकते हो, अगर कभी आपको व्यास दिया जाए तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो इस रिलेशन को यूज करके। चलो, तो आप चैट सेक्शन में लिखकर अभी बताना कि अगर मैं इस वाले वृत्त का व्यास दे रहा हूं आपको, इस वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, व्यास है 16 सेंटीमीटर, तो आप बताओगे इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना होगा, चैट में लिखकर बताओगे, चैट में लिखकर बताओगे अगर व्यास 16 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगी, है ना, क्यों, क्योंकि अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या, देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो आप क्या सब कह सकते हो, त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 16 को आप 2 से भाग दे दोगे तो 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा।
ये चीज आपको ध्यान रखना है, त्रिज्या और व्यास में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? इतना समझ में आया? चैट में लिखकर बताओगे ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, त्रिज्या और व्यास में रिलेशन क्या है? चलो ठीक है, तो त्रिज्या और व्यास में रिलेशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार के लिख लोगे। कभी भी आपको त्रिज्या दिया जाए तो व्यास पूछा जा सकता है, व्यास दे दिया जाए और त्रिज्या आपसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है। चलो ठीक, तब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला चीज क्या है, वृत्त हमेशा क्या होगा, एक बंद आकृति होगी। ठीक है, वृत्त क्या है, हमेशा एक बंद आकृति होगी। बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में आपको पढ़ाया गया था, है ना? अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो यह क्या है, एक खुली आकृति है और इसे हम वृत्त नहीं कहेंगे, किसी भी खुली आकृति को वृत्त नहीं कहेंगे। अच्छा दीपेंद्र, क्या समझाना है दोबारा? आप माइक ऑन करके ही बता सकते हो, क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आया? दीपेंद्र, मैं आपसे पूछ रहा हूं। त्रिज्या और व्यास में रिलेशन, आप माइक ऑन करके बता दो। चलो ठीक है, एक बार मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप नहीं बोल रहे, एक बार मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ व्यास की लंबाई बताओ, तो अगर त्रिज्या की लंबाई दी गई है तो आप त्रिज्या में 2 से गुना कर दोगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि यह भी एक त्रिज्या है और यह भी एक त्रिज्या है, और व्यास जो होता है 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। तो व्यास जो होता है वो 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। और डी इक्वल टू 2 × r लिखने का यही मतलब है ना? आर मतलब त्रिज्या और डी मतलब डायमीटर, तो डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, तो व्यास बराबर 2 गुना r आप लिख सकते हो। कोई बात नहीं धर्मवीर, ठीक है चलो। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि वृत्त हमेशा क्या होगा, एक बंद आकृति होगा। कभी भी खुली आकृति को आप वृत्त नहीं कहोगे, ठीक है, इसे हम वृत्त नहीं कहेंगे, हमेशा बंद आकृति को ही कहेंगे। उसके बाद आपको यह पता है व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, यह तो मैंने आपको बताया ही कि किसी भी वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसे ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको पढ़ा दिया गया। उसके बाद यह ध्यान देना, यह तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, यह भी आपको ध्यान देना है कि जो व्यास होता है, किसी भी वृत्त का जो व्यास होगा वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब 2 बराबर भाग का क्या मतलब हुआ, इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक व्यास बना दूँ, ठीक है, अगर यह एक व्यास है, आपको पता कैसे चलेगा कि यह एक व्यास है? तो व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कोई इमेज बनाऊ, ठीक है, वृत्त बनाऊ और यह केंद्र है, अब बताओ इसे हम व्यास बोलेंगे क्या? PQ को व्यास बोलोगे या नहीं बोलोगे? PQ को व्यास बोलोगे या नहीं बोलोगे ये बताओगे? PQ को व्यास नहीं बोलेंगे, क्योंकि PQ क्या है, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है, तो व्यास हमेशा क्या होगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, है ना? अब केंद्र से होकर गुजरेगा, मुझे पता चल गया कि ये जो PQ है यह व्यास है। ठीक है, व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो ये क्षेत्रफल, ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि व्यास जो होगा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलो, ये सारी बातें अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो वाई लिखो, कोई भी डाउट है तो आप एन लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चल, तो अभी आप जो पहला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। पोल सेक्शन में जाओगे और आंसर करोगे, बस इसमें आपको वृत्त को पहचानना है कि ये चारों आकृति में कौन सा वृत्त है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, और जितने भी लोग हो यहाँ पर पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे।
अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी के आंसर सही आए। देख, यह साफ दिख रहा है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो वृत्त पहचानना है, तो यह तो मुझे साफ दिख रहा है कि यह वृत्त नहीं है, यह भी वृत्त नहीं है, क्योंकि यह तो खुली आकृति है और यह तो वृत्त दिख नहीं रहा। अब कंफ्यूजन कहां पर है, या तो ऑप्शन ए वृत्त हो सकता है या ऑप्शन बी वृत्त हो सकता है, तो यह भी हमें साफ दिख रहा है कि यह वाला जो है यह तो वृत्त है ही है। ठीक है, यह जो आकृति है यह तो वृत्त है। ठीक, तो हमारा आंसर तो बी ही होगा। बी क्या है, हमारा एक वृत्त है। ऑप्शन ए वृत्त क्यों नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह वाला जो आकृति है यह वृत्त क्यों नहीं है, आप इसे वृत्त क्यों नहीं कह रहे हो, ठीक है, तो इसको वृत्त इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसका कोई केंद्र बनाऊं, अगर मैं यहां पर एक केंद्र बना रहा हूं, तो आपको क्या बोला गया था, किसी भी वृत्त में उसका केंद्र जो है वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होनी चाहिए, है ना, ऐसा आपको बताया गया था कि सभी बिंदु वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होनी चाहिए। लेकिन आप अगर इस इमेज को देखो तो आप कह सकते हो यह वाली जो दूरी है ये बड़ी दिख रही है और ये दूरी कम दिख रही है ना, ये दूरी कम है और यह दूरी ज्यादा है ना, अलग अलग दूरी है, तो हम कह सकते हैं यह जो आकृति है यह वृत्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए भी हमारा वृत्त नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी के आंसर सही भी थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस इस वाले आकृति में आपको पहचानना है कि सेंटर कौन सा है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सी डी, यह डी बिंदु है। ठीक है, चलिए, तो चैट सेक्शन सभी लोग पोल में जाएंगे, पोल में जाकर आंसर करेंगे, मतलब इसमें बस आपको करना क्या है, केंद्र को पहचानना है। आपको देखना है कि यहाँ पे 4 बिंदु दिख रहे हैं, ए बी सी और डी, तो कौन सा केंद्र है आपका, बिंदु ए बी सी या डी। चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2। चलो, तो यहां पूछा क्या गया, आपको वृत्त का केंद्र पहचानना है, तो केंद्र के बारे में आप क्या कहोगे, अगर आपको केंद्र पहचानना तो केंद्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी वृत्त में एक केंद्र होता है। ठीक है, ये भी आपको बताया गया था, किसी भी वृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र होता है। अब केंद्र के बारे में क्या कहते हैं, वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर जो भी बिंदु स्थित है उसे ही हम केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि 4 बिंदु में हमारा बिंदु ए तो वृत्त पर ही स्थित बिंदु है, तो इसे तो केंद्र नहीं कहेंगे। बिंदु डी तो वृत्त के बाहर स्थित है, इसे भी हम केंद्र नहीं कहेंगे। बिंदु बी देखो एक ऐसा बिंदु है, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो इसे आप केंद्र नहीं कहोगे, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पर देखो ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है, तो इसे हम केंद्र नहीं कह सकते। तो केंद्र क्या है, ये जो बिंदु सी आपको दिख रहा है यह वृत्त के सभी, अगर मैं इसे कहूं कि ये वृत्त है ना, तो वृत्त के सभी बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो बिंदु सी क्या होगा, बिंदु सी हमारा वृत्त का केंद्र कहलाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। ये समझ में आया, काफी आसान आसानी सारे क्वेश्चन है। केंद्र कौन सा है, बिंदु सी, आपको बस केंद्र पहचानने के लिए आना चाहिए, अगर समझ में आया तो वाई लिखेंगे। ठीक है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन है, काफी आसान सा, इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या पहचानना है, तो इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या को पहचानना है कि यहाँ पर जितने भी रेखाखंड है इसमें से कौन सा रेखाखंड त्रिज्या है। चलिए, अब पोल में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 103, तो आपको देखना है कि दी गई चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वृत्त का त्रिज्या है, यानी रेडियस कौन सा है। काफी आसान से, ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी और पेन की कोई जरूरत नहीं है, बस बस आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है।
चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पूछा गया है कि वृत्त का त्रिज्या कौन सा है, तो त्रिज्या को आप पहले याद करो कि त्रिज्या क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी अगर मैं वृत्त बनाऊं तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी या वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या में और क्या क्या बातें आपको याद है होगी? वृत्त में अनंत त्रिज्या बनाए जा सकते हैं, सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो अगर इस आकृति को देखो तो सभी ऑप्शन को देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ओए, ओए को आप त्रिज्या बोलोगे क्या? तो ओए को अगर आप देखे तो ओए को त्रिज्या क्यों नहीं बोलेंगे? चैट में कोई बता सकता है क्या कि ओए को हम त्रिज्या क्यों नहीं कह रहे? ओए हमारा त्रिज्या क्यों नहीं है? ओए हमारा त्रिज्या इसलिए नहीं है क्योंकि बिंदु ए आपको वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं दिख रही है। आपको ऐसा बताया गया था अभी कि अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो इसे आप त्रिज्या नहीं कहोगे, क्योंकि यह बिंदु जो है यह वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि OA को हम त्रिज्या नहीं कहेंगे क्योंकि बिंदु A जो है वृत्त पर स्थित नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अब अगर दूसरा ऑप्शन को देखिए, तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं OB को, तो OB को क्या कहोगे? O तो हमारा केंद्र है और B क्या है? वृत्त पर स्थित एक बिंदु है ना? B क्या है? वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, तो OB को हम क्या कहेंगे? OB ही हमारा त्रिज्या होगा। ठीक है ना, त्रिज्या के बारे में हमको आपको क्या बताया ही गया था, केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। तो वो भी क्या है? हमारा त्रिज्या है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? अब अगर आपको पता है कि ऑप्शन बी ही सही है तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता सही, ऑप्शन डी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जिनके आंसर गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब आपको समझ में आया या नहीं ये बताओगे, गोविंद और पाठक, अब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि बी हमारा जो होगा वो भी हमारा त्रिज्या होगा। क्यों? क्योंकि ओ हमारा केंद्र हुआ और बी एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन में आपको व्यास पहचानना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इन सभी रेखाखंड में व्यास कौन सा है। तो पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। तो देखो कि इसमें से जितने भी रेखाखंड है इसमें से कौन सा रेखाखंड वृत्त का व्यास है। सी डी ई एफ ए ओ या ए बी, बस आपको व्यास पहचानना है। अभी अभी आपको व्यास पहचानने के लिए सिखाया भी गया काफी बार, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के व्यास को आप पहचानोगे कैसे? अरे हम माइक नहीं ऑन करेंगे, आपको जो भी डाउट है आप चैट में लिख सकते हो। चलिए 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2। चलो तो आपको व्यास पहचानना है, तो अगर मैं व्यास याद दिलाऊं, ठीक है, अगर मैं व्यास याद दिलाऊं तो आपको क्या बोला गया था? व्यास के बारे में सबसे आसान तरीका यही है कि वह जीवा या वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, है ना, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी उसे को हम व्यास कहेंगे, और वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यही चीज तो आपको बताई गई थी। तो देखो यहाँ पर अगर सभी ऑप्शन को देखो तो सिर्फ एक ही ऐसा जीवा आपको दिख रहा होगा, ए बी। ए बी एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है ना? बाकी जितने भी जीवा आपको दिख रहे होंगे, सी डी, ये देखो सी डी आपको ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते नहीं दिख रहा है, ई एफ आपको केंद्र से होकर नहीं गुजरते दिख रहा, तो हम क्या कहेंगे? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी ए बी ही होगा, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है उसे ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, आपको यह बताया गया कि वृत्त का वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, है ना, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है,
गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, गलत हो जाए आपको आंसर अब बताओगे अब समझ में आ गया या नहीं आ गया, अब समझ में आया या नहीं आया, सन्नी आप ये बताओगे। अब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब तो गलती नहीं करोगे ना, ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार समझाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगा उसे ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी जितने भी है सी डी ई एफ ये सभी को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि यह वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजर रही, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजर रही तो उसे हम व्यास नहीं कहेंगे, उसे हम जीवा कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको जीवा पहचानना है, वह क्वेश्चन फिर से है और इस क्वेश्चन में आपको वृत्त का जीवा पहचानना है। तो आप देखो कि यहाँ पर जितने भी रेखाखंड दिखाए गए कौन सा रेखाखंड इस वृत्त का जीवा है, आप किसे वृत्त का जीवा कहोगे, काफी आसान सारे ये सारे क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। देखो इस क्वेश्चन में आपको वृत्त का जीवा पहचानना है, तो बताओ जीवा क्या होती है, जीवा के बारे में आपको बताएगा ना कि अगर मैं कोई भी एक वृत्त बनाऊं तो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु अगर हम ले लें, कोई भी दो बिंदु आप ले सकते हो, तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, वृत्त का जीवा कहेंगे, ठीक है। तो इस वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, वृत्त का जीवा कहेंगे। तो अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो इस आकृति में आप देख पा रहे होगे कि कौन सा दो बिंदु है जो दो वृत्त पर स्थित है और उनको मिलाने वाले रेखाखंड के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं जो सी डी है, तो सी डी को आप बोलोगे बिंदु सी तो वृत्त पर स्थित है, बिंदु सी जो है यह वृत्त पर तो स्थित है, लेकिन बिंदु डी वृत्त पर स्थित है क्या, चैट में लिखकर बताओ बिंदु डी वृत्त पर स्थित है हाँ या ना, बिंदु डी वृत्त पर स्थित है या नहीं ये बताओगे, ये वाला बिंदु नहीं, बिंदु डी वृत्त पर स्थित नहीं है, बिंदु डी वृत्त के अंदर स्थित है ना, तो बिंदु डी जो है वृत्त के अंदर स्थित है, तो वृत्त पर स्थित नहीं है, तो हम कहेंगे सी डी जो है यह जीवा नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये सही नहीं होगा। वो भी क्या है, यह तो केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी दिखाई जा रही है तो यह भी जीवा नहीं होगा, या तो त्रिज्या होगा, वो भी क्या है, वृत्त त्रिज्या है। चलिए पी क्यू, पी क्यू में देखो बिंदु पी जो है वृत्त पर स्थित नहीं है और बिंदु क्यू जो है यह भी वृत्त पर स्थित नहीं है, तो पी क्यू को भी हम क्या कहेंगे, पी क्यू को भी जीवा नहीं कहेंगे, क्योंकि पी क्यू में बिंदु पी और बिंदु क्यू ये दोनों ही बिंदु वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है, इसलिए पी क्यू को भी वृत्त का जीवा नहीं कहेंगे, ठीक है। अब बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को देखो ई एफ लिख रखा है, तो ई देखो बिंदु ई भी वृत्त पर स्थित है और बिंदु एफ भी वृत्त पर स्थित है, तो बिंदु ई और बिंदु एफ ये दोनों ही वृत्त पर स्थित बिंदु है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ई एफ हमारा एक जीवा है, ठीक है, ई एफ क्या है, एक जीवा है, ई एफ हमारा जीवा होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया या नहीं आया। अच्छा दीपक जाट के नाम से जो भी बच्चा है, आप चैट में कुछ भी इस टाइप की चीज टाइप नहीं करोगे, अदरवाइज आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ये लास्ट वार्निंग थी। अगर कुछ भी आप टाइप टाइप करोगे, कोई भी लिंक अगर पेस्ट करोगे, तो आपको बिना वार्निंग के क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। चलो तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ई एफ हमारा जीवा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको व्यास की लंबाई पूछी जा रही है, अगर त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो अगर त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई आपको बताना है, तो पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। तो अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई क्या होगी, अभी अभी आपको व्यास और त्रिज्या के बीच
एक संबंध पढ़ाया गया था, है ना। अगर वो संबंध आपको पता है तो काफी आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलो 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं। देखो तो आपको क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता है कि अभी अभी मैं आपको क्या बता रहा था, व्यास जो होता है वृत्त का 2 गुना होता है। अभी आपको बताया गया था कोई भी जो व्यास होता है किसी भी वृत्त में त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2 गुना त्रिज्या। आप क्या लिख सकते हो, 2 × त्रिज्या, है ना। या आपको यह भी पढ़ाया गया डी इक्वल टू, डी मतलब डायमीटर इक्वल टू 2 × r। तो आप r का मान यानी त्रिज्या का मान पुट कर दोगे 2 × 3 तो आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो अगर त्रिज्या 6 3 सेंटीमीटर है तो व्यास उसका 2 गुना होगा यानी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलो ये बताओ समझ में आया या नहीं आया। अच्छा सिर्फ एक बार सी टाइप करेंगे, इतने बार आंसर करने का कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अच्छा क्या समझ में नहीं आया ये बताओ दीपक, आप अपना माइक ऑन करो और ये बताओ क्या नहीं समझ में आया। आपको व्यास पूछा जा रहा है और त्रिज्या की लंबाई दी गई है, तो आपको सीधे सीधे पढ़ाया गया है कि जो व्यास होता है किसी भी वृत्त में जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब त्रिज्या को आप 2 से गुना कर दोगे आपको व्यास आ जाएगा। तो त्रिज्या की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर दी गई है तो आप व्यास 6 सेंटीमीटर निकाल सकते हो ना, काफी आसान सा था। चलिए तो अभी आपको क्या करना है, होमवर्क नोट करना है, अभी कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी होमवर्क है आज की, जिसमें से ये वाला एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, 4.1 और 4.2 आपको नहीं करना है। बाकी ये 5 एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5, यहाँ पेज नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो ये सारे आपको सॉल्व करने हैं।